नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेती बाड़ी में। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन जाएगा 25,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, लहसुन जाएगा 25,000 के पार, क्योंकि अभी लहसुन की मांग बहुत ही ज़्यादा है और मंडियां सारी बंद हैं। और अभी आपको पता है लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान मंडियां सभी बंद, सुचारू रूप से बंद हैं। अभी मतलब सारी मंडियां बंद हैं और अभी लहसुन को आप देख सकते हैं, लहसुन की डिमांड ज़्यादा है। और अगर भारत बाहर से लहसुन को लॉकडाउन खुलने के बाद, अगर मतलब चीन, इन श्रीलंका, इनमें अगर ये इनको लहसुन को निर्यात करता है, तो फिर आपको पता है निर्यात करता है तो किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। निर्यात करेगा तो लहसुन की मांग बढ़ेगी तो भाव चढ़ेगा तो किसान भाइयों को बहुत ही फायदा होगा। अभी सारी मंडियां बंद हैं, कहीं कहीं पर मंडियां चालू हैं, लेकिन उनसे कुछ काम नहीं बन रहा है। उनमें थोड़ा थोड़ा लहसुन आता है, उससे अभी मतलब अभी मंडियां खुली नहीं है। कई कई मंडियों में लहसुन आ रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब बहुत ही कम अभी लहसुन आ रहा है, तो मांग बहुत ही बढ़ रही है। अभी आपको पता है वायरस के दौरान लहसुन से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, तो लहसुन की मांग बहुत ही ज़्यादा है। सब जगह लहसुन की ही मांग चल रही है अभी, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और फिर एकदम पे लॉकडाउन खुलेगा तो फिर आप किसानों के लिए बहुत ही खुशखबरी हो जाएगी, क्योंकि लहसुन का भाव बहुत ही डिमांड होगी लहसुन की। और अभी भी लहसुन की बहुत ही डिमांड है, बहुत ही डिमांड है कि बहुत सारी दवाइयाँ, अभी आधी दवाइयाँ सभी लहसुन से ही बनती हैं। और गांवों में कोई बीमार हो जाता है तो लहसुन को सेक कर ही खाते हैं, तो इससे ही काम चला रहे हैं। और लहसुन की मांग तो रहेगी। अगर लॉकडाउन खुलने के बाद मंडियाँ सारी खुल गई और भारत दूसरे देशों में लहसुन को बेचता है, निर्यात करता है, तो अभी चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, अगर इनमें भारत लहसुन को की निर्यात करता है, तो लहसुन का भाव 25,000 के पार जाएगा। 25,000 के पार किसान हो जाएंगे माला माल। तो अभी आपने लहसुन को बेचा या नहीं बेचा है आपके स्वयं के विवेक से। अभी लहसुन को बेच सकते हैं या रख भी सकते हैं, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आप सब कुछ करें अपने विवेक से करें। तो किसान भाइयों, कैसी बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपको। पता है लहसुन से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। और तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो भाई लोगों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पे पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। और लाइक, कमेंट, शेयर जो आप कर सकते हैं वो जल्दी जल्दी कर दो यार भाई लोगों। आप